तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चुनावी नतीजे के बाद हम लोग कई बार मिले, एक सामूहिक डिस्कशन में मिले दो बार। हफ्ते की बात में आज हम पहली बार मिल रहे हैं जनादेश और नई सरकार के गठन के बाद। सबसे पहले तो आप बधाई, इस देश की आवाम को नई सरकार मिली है, सरकार में बैठे लोगों को बधाई, नए मंत्रियों को बधाई। और हम ये भी चाहते हैं कि इस देश को, हमारे गणराज्य को, हमारी आवाम के लिए ये 5 साल सुरक्षित, समृद्धि के तरफ ले जाने वाले और स्वातंत्र यानी हमारी आज़ादी को बरकरार रखने वाले साबित हों, हम सब के लिए बहुत शुभ हो। आइए हम देखते हैं कि मौजूदा सरकार क्या सोच रही है, क्या इसका मकसद है, क्या इसके लक्ष्य हैं, कैसा भारत बनाना चाहती है, क्योंकि बार बार नए भारत की बात की जा रही है। ये नया भारत क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के अनेक नेता अक्सर सन 2022 का जिक्र करते रहते हैं। इस बार का जनादेश अगर देखा जाए तो उन्हें पूरे 5 साल यानी सन 2024 के मई तक भारत के गणराज्य की सरकार चलाने का उनको मौका मिला है। लेकिन सत्ताधारी नेताओं की बात सुनिए तो वो सन 2022 तक देश में काफी कुछ कर दिखाने का ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य है। क्या है वो लक्ष्य? और लक्ष्य ये जो वर्ष है 2022, वो क्यों शामिल है? क्यों 2022 ही? दोस्तों, इसलिए कि सन 2022 में भारत के आजाद मुल्क बनने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो लक्ष्य के तौर पर सत्ताधारी हमारे जो नेता हैं ढेर सारी योजनाओं का जिक्र करते हैं कि वे अक्सर बताते हैं कि भाई अमुक योजना को 2022 तक पूरा कर लेना है। वे कभी इस बात का उल्लेख नहीं करते कि सन 2022 तक कोई उनका राजनीतिक लक्ष्य भी है या सिर्फ प्रशासनिक लक्ष्य है। पर हमें लगता है कि उनके दिमाग में सन 2022 तक के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी राजनीतिक लक्ष्य भी होंगे। हम कोई कयास नहीं लगाना चाहते, पर बीते 5 सालों के भाजपा शासन के कामकाज को अगर आप देखिए, पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को, उसके खासकर कुछ बेहद विवादास्पद वायदों और सत्ता के शीर्ष जोड़ी जो सत्ता की है उनके बयानों इरादों से जो संकेत मिल रहे हैं वे बहुत ठोस और साफ हैं। और वो ये कि मौजूदा जो सत्ता संरचना है वो भारत को बिल्कुल एक अलग दिशा की तरफ ले जाना चाहती है। ये दिशा वो नहीं है जिसे हमारी आज़ादी की लड़ाई के नेताओं, स्वाधीनता के शहीदों और संविधान के निर्माताओं ने तय किया था। इसीलिए वो बार बार नया भारत कह रहे हैं। आज़ादी के बाद सत्ता में आए लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन के महान मूल्यों, वो क्या मूल्य थे? स्वतंत्रता, सेक्युलरिज्म, समता और सौहार्द, इनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता तो जताई, लेकिन उसे हासिल करने और जनता को इम्पावर करने के लिए वे तमाम कदम नहीं उठा पाए गए जो इतने बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए जरूरी थे। पहले के सत्ताधारियों ने बौद्धिक राजनीतिक स्तर पर इन मूल्यों की मुखालफत करने का दुस्साहस कभी नहीं किया। वाजपेयी आडवाणी की अगुवाई वाली अगर भाजपा को देखें तो भले ही इन मूल्यों से उनको ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन सरकार में रहते हुए एक बार उन्होंने संविधान की समीक्षा का प्रयास भी किया, पर बहुमत भाजपा के पास नहीं था, इसलिए वे कामयाब उस मकसद में नहीं हुए। अपनी नापसंदगी के बावजूद हम तो यही कहेंगे कि किसी मजहब हो, कोई समुदाय हो, किसी के प्रति नापसंदगी हो, किसी संरचना को गिराने तक वे जा चुके थे, पर संविधान को गिराने की ताकत या सोच उनमें शायद नहीं थी। सत्ता पर काबिज और वो अभी एक बड़ा जनादेश हासिल करके जो लोग अभी आए हैं सत्ता में, यानी दोबारा आए हैं संघ भाजपा से जुड़ी, मैं समझता हूं कि यह पहली संरचना है जो खुलेआम हमारे स्वाधीनता आंदोलन के महान मूल्यों की मुखालफत करती है, उनका मजाक उड़ाती है यह संरचना और उन्हें बेमतलब भी बताती है। वो सेक्युलरिज्म का इस कदर उपहास करती है जैसे लगता है कि वो कोई फालतू चीज है। वो गांधी को चतुर बनिया बताने में संकोच नहीं करती। इसके दूसरी तीसरी कतार के नेता तो यहां तक कि उसके सांसद, विधायक और मंत्री भी खुलेआम संविधान को बदलने की बात करते हैं। इनमें कुछ तो गोडसे और सावरकर को अपना आदर्श बताते हैं। पहले की तमाम सत्ता संरचनाओं
और मौजूदा सत्ता संरचना के बीच ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या सन 2022 के इनके कैलेंडर में हमारे मुल्क के बुनियादी विचार या भारत की मूल संकल्पना, जिसे आप अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, क्या उसमें कोई बड़ा उलट पुलट करने का खतरनाक इरादा भी शामिल है? आप में से बहुत कुछ लोग कह सकते हैं कि यह सवाल वाजिब नहीं है, इसके जरिए शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं या ज्यादा पढ़ रहा हूं कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। पर आप में से कितनों ने सोचा था कि करगिल में देश के दुश्मनों से लड़ने वाला भारतीय सेना का एक सूबेदार मोहम्मद सनाउल्ला सेवानिवृत्त होने के बाद असम में एनआरसी के नाम पर घुसपैठिया बताकर वहां की भाजपा सरकार के निर्देश पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कितनों ने सोचा था कि मालेगांव आतंकी हमले और बम विस्फोट कांडों की एक अहम आतंकी अभियुक्त को मौजूदा जो सत्ता संरचना है उस पर इस कदर उसको अपना वरद हस्त देगी कि वो जेल के बजाय सीधे संसद पहुंच जाएगी, चुने जाने के बाद वो गांधी जी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त बताएगी और कई भाजपा सांसद नेता उसकी बात का समर्थन करेंगे? ये कब सोचा था आपने? अब तक सत्ताधारी दल के शीर्ष नेता पटेल की आड़ लेकर नेहरू पर अपनी नफरत के गोले बरसाते थे, अब वे गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करने वाली को सीधे संसद लाते हैं। उनकी ढिठाई में ये बड़ा उछाल है दोस्तों, और निस्संदेह उनका दुस्साहस ये चुनावी जनादेश जो है वो और बढ़ाएगा। ऐसे में वो कुछ भी कर सकते हैं। आज का राजनीतिक परिदृश्य देखें तो बात और साफ होगी। राजनीतिक विपक्ष आज न केवल कमजोर है बल्कि उसके पास बड़े आदर्श और बड़े नेता भी नहीं दिखते हैं। संवैधानिक संस्थाएं ऐसा लगता है कि हाईजेक की जा रही हैं। उनमें कईयों ने तो स्वयं ही अपने को सत्ताधारियों की सेवा में सादर समर्पित कर लिया है। न्याय की हमारी पूरी प्रणाली भी आज के राजनीतिक बवंडर में मानो हिलने लगी है, हिलती नजर आ रही है। भाजपा की दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के मायने मित्रों बिल्कुल साफ है। सत्ताधारी नेता अपने अगले 5 सालों में वो सब कुछ हासिल करना चाहेंगे जो बीते 5 साल के दौरान चाहते हुए भी वे पूरा नहीं कर सके। भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस के तत्कालीन नेताओं ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि उन्हें स्वतंत्र आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत की संकल्पना से चिढ़ थी। वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, वे भारत को आगे नहीं अतीत में पीछे ले जाना चाहते थे। गांधी नेहरू भगत सिंह और अंबेडकर जैसों के चलते तब उनकी दाल नहीं गली। दुर्योग देखिए, भारत के आजाद होने के 70-72 साल बाद हिंदू राष्ट्र के स्वप्नदर्शियों के वंशज आज भारी समर्थन से सत्ता में हैं। इस आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता अगर मौजूदा सत्ताधारी आजादी के 75वें साल यानी 2022 आते आते भारत के मौजूदा राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य को अपनी पसंद के अनुसार ढालना चाहें। एनआरसी के जरिए वे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के एक हिस्से को निशाना बना सकते हैं। अक्टूबर सन 1947 में बड़ी मुश्किलों से भारतीय गणराज्य में शामिल हुए सरहदी सूबे कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के जरिए टकराव के और भयानक दौर में और भयानक क्षेत्र में तब्दील कर सकते हैं। समाज के कुलीन और कारपोरेट संरक्षित इन सत्ताधारियों के निशाने पर पहले से ही देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। रोहित वेमुला से कोरेगांव और आरक्षण के नियमों में बदलाव जैसे अनेक घटनाक्रम इसके सबूत हैं। किसी भी समुदाय के ऐसे लोग इन्हें कतई पसंद नहीं जो गरीबों, दलितों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज के अधिकारों का समर्थन करते हों। सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा और सोमा सेन जैसे अनेक लोग आज भी जेलों में पड़े हैं। गौरी लंकेश, प्रोफेसर कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पंसारे जैसे अनेक लोग मारे जा चुके हैं। इन सब गुनाहों के बावजूद वे लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीते हैं। उनके पास अपार धन शक्ति है, टेक्नोलॉजी और कॉरपोरेट समर्थित सांगठनिक नेटवर्क है। तमाम शासकीय संस्थाओं को अपना औजार बनाकर उन्होंने हमारे सिस्टम पर मानो कब्जा कर लिया है। भारत के असमानता और दुर्दशाग्रस्त समाज के अंतर्विरोधों का वे बेहद सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मानना है कि आगे भी वे असमानता और भेदभाव आधारित समाज में गरीबों के लिए सामाजिक आर्थिक सहूलियतों यानी वेलफेयर के कुछ झुनझुने देते रहेंगे और उसके समानांतर
समता, स्वतंत्रता, सौहार्द के मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण के एजेंडे को रौंदकर एक निरंकुश किस्म के हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद की बुनियाद डालने की वे हर संभव कोशिश भी करेंगे। हाल के चुनाव की तरह आगे भी वे गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के एक हिस्से को अपने पक्ष में करके अपने अल्पमत को बहुमत में तब्दील करने की कोशिश जारी रखेंगे। कॉर्पोरेट और टेक्नोलॉजी की उनकी ताकत इस खतरनाक रणनीति से बड़े जनादेश में बदलती रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो गरीबों, उत्पीड़ितों के वोट से ही उनके हितों की हत्या भी की जाएगी। अगर राजनीतिक विपक्ष और समाज के प्रति सजग बौद्धिक समाज ने समय रहते उनकी इस राजनीतिक परियोजना की कोई काट नहीं खोजी तो यकीनन भारत के लिए विनाशकारी होंगे आगे आने वाले दिन। दिलचस्प बात है कि इस चुनाव के दौरान मोदी शाह या किसी भी भाजपा नेता ने सन 2014 के चुनाव के दौरान किए अपने वायदे सबका साथ सबका विकास, जो बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण नारा था, उसको शायद ही कभी उन्होंने याद किया। लेकिन सन 2019 में चुनाव के बाद सत्ता में वापसी जब हुई है उनकी, तब उन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास जोड़ा है, पता नहीं कैसा होगा इनका विश्वास, ये तो वक्त बताएगा साथियों। पर हम एक भारतवासी के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर भी हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि मौजूदा सत्ता भारत की समूची जनता को विश्वास में ले या न ले, पर भारत को विनाश की तरफ वो न ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।